बाराबंकी के कुसौरा बांध पर आज जल शक्ति मंत्री पहुंचे, जहां उन्होंने कुसौरा तट बांध पर बाढ़ से बचाव के लिए दीवार बनाने के आदेश दिए हैं। अलीगढ़ में जहां पनेटी से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, बताया जा रहा है कि रोडवेज निरीक्षण के दौरान बस रोडवेज अधिकारी की जांच कर रहा था, जिसमें बिना टिकट के 6 सवारियां बैठी हुई थी, जिसके बाद बस निरीक्षण अधिकारी ने रोडवेज कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी, जिसके बाद बस कंडक्टर ने बस निरीक्षण अधिकारी को मामले को शांत कराने के लिए कुछ पैसे दिए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और वहीं इस वीडियो के सामने आने के से परिवहन क्षेत्र प्रबंधन ने बस निरीक्षक अधिकारी को तत्काल निष्कासित करने के आदेश दे दिए हैं और इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। जी, इसमें संज्ञान में आया है, ये कल वीडियो प्राप्त हुआ है हमें, और इसमें उनके संबंध में जो है हेडक्वार्टर को सूचित कर दिया गया है और हेडक्वार्टर से रिपोर्ट मांगी गई है और उनके बाद उन लोगों पर जो भी सबसे कठोरतम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। गाजियाबाद के थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से हैवानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक अरुण नाम के व्यक्ति ने एक महिला का दर्दनाक रेप महिला के साथ रेप किया। दरअसल युवक ने पड़ोसी महिला के घर में घुसकर रेप की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पीड़िता की हालत नाजुक बताई जा रही है। आज दिनांक 2/7/2024 को थाना टोनिका सिटी पर पीड़िता द्वारा तहरीर दी गई कि उसके पड़ोस में रहने वाले अरुण सनफ सुभाष द्वारा उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पर थाना टोनिका सिटी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमों गठन कर प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।